एवरीवन, उठ चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अभी मतलब अभी लाइट वाइट सब जला दी थी, उठ गई थी। आप सभी लोगों गुड मॉर्निंग। 5:30 बज रहे हैं, आज है पूर्णिमा, तो मेरा व्रत भी है, तो इसलिए थोड़ा सा और जल्दी उठ गई हूँ। नहीं तो आजकल क्या बड़ा आलस जैसा आ रहा है ठंड की वजह से, बड़ा लेट लेट उठ रही थी, पर नहीं आज तो मुझे जल्दी उठना ही है और सारा कुछ काम करने जल्दी से फटाफट, और पूजा वगैरह करनी है, बच्चे के तो स्कूल जल्दी हैं, फूल वगैरह सब कुछ मैं रात में ही लेकर आ गई थी, तो चलो फटाफट से झाड़ू वगैरह लगाते, पहले नीचे का करके आती हूँ उसके बाद ऊपर का करूँगी। यहाँ डस्टबिन है तो वो अच्छा नहीं लगता तो हटा दिया, देख सकते हैं बाहर की झाड़ू वगैरह सब लगा दी है, पानी भी छिड़क दिया है। अब चलते हैं ऊपर, नीचे का मैंने सारा कुछ कर दिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा दूँगी भगवान के भजन, जिससे कि मेरे दिन की शुरुआत होती है। और कहते ना, जो सुबह की जो एनर्जी होती है ना, उसी से पूरा दिन चलता है। जैसे हम सुबह उठें, हमारा किसी से मूड ख़राब हो जाए, फ़ोन चलाने लगें और उसमें कुछ ऐसी निगेटिविटी चीज़ें देखने लगें जिससे हमारा मूड ख़राब हो जाए, और कहते ना कि मन में अलग विचार आ जाएं, तो उससे भी हमारा पूरा दिन ख़राब हो जाए। तो इसलिए सुबह के टाइम हल्की आवाज़ में भजन चलाना, अच्छी बातें सोचना। अब जो भजन चल रहे हैं तो मेरे यहाँ पे काम भी होते रहेंगे, साथ साथ में एक तरफ मेरे भजन भी गुनगुनाती रहूँगी मैं। वैसे तो क्या होता ना कि उठ के सीधे नहा भी लो, सिर्फ झाड़ू लगाओ, इतनी सफाई ना करो, पर दिन आज माता लक्ष्मी का था, पूर्णिमा का दिन, हरि विष्णु भगवान का दिन था, तो पूरे घर की साफ़ सफाई करके ही मैंने कहा फिर कुछ करूँगी। और यहाँ पर बच्चे अभी सो रहे हैं, बच्चों को थोड़ा सा लेट ही उठाती हूँ क्योंकि बच्चों की टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गई, छोटे बच्चों का और लेट कर दिया। नायशा का 10 बजे का स्कूल हो गया है, अनकू का 9 बजे का हो गया है, तो बच्चों को आराम से उठाती हूँ, मेरी नहा लेती हूँ, मेरी पूजा भी हो जाती है, मतलब आधी पूजा हो जाती है क्योंकि मुझे थोड़ा सा समय लगता है पूजा पाठ में, मंदिर जाना, फिर अपनी मालाएँ चलती हैं जो कि मैं तुलसा जी के पास में बैठ के करती हूँ, सूर्य भगवान के पाठ चलते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। हर चीज़ को बहुत मैनेज करके चलती हूँ, जिससे कि कल को मैं अगर पूजा पाठ कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो किसी को तकलीफ़ भी ना हो कि घर के काम नहीं हो रहे हैं, तुम इतनी देर लगी हो, तो सारे काम उम करके फिर इन चीज़ों को करती हूँ मैं। और यहाँ पर सब जगह लगा ली थी फटाफट से झाड़ू, फिर इसके बाद मैंने कहा पोछा भी घुमा ही देती हूँ जल्दी जल्दी ऊपर का, नीचे का तो आंटी जब आएंगी तो वो लगा देंगी, तो यहाँ पर मैंने पोछा सब जगह लगा लिया है रूम में भी। और जहाँ तुलसा जी के पास में पोछा होता है ना, वहाँ मैं हाथ से ही लगाती हूँ, क्योंकि आप लोगों में से ही किसी ने मुझे कमेंट करा था कि दीदी आप जब तुलसा जी के इधर झाड़ू लगाते हो तो वहाँ पर झाड़ू छू जाती है, तो वहाँ पे भी मैं कपड़े से ही उसको साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं नहा कर आ चुकी हूँ मैं, तो यहाँ पर नहाने के बाद सीधे मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और फिर इसके बाद में अपना जो स्किन केयर है वो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस वही सनस्क्रीन लगाना, मॉइस्चराइज़र लगाना, हाथ पैरों में भी लोशन लगा लेती हूँ, फिर इसके बाद ना सीधे समय नहीं मिल पाता है, फिर सीधे पूजा में लग जाओ, बच्चों के टिफ़िन में। आप किस तरीके से अपने भगवान जी को उठाते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं तो इसी तरीके से भगवान को ताली बजाकर, घंटी बजाकर भगवान को उठाती हूँ। और ये येलो लाइट ना भगवान को और मतलब सुंदर बना देती है, जितने फ़ोटो हैं सब इतने सुंदर जगमगा जाते हैं, भगवान के जो वस्त्र हैं वो भी खिल जाते हैं येल्लो लाइट जलाते ही। तो सारे पूजा के बर्तन नीचे से धुल कर लेकर आ गई थी, इसके बाद में मैंने कहा सबसे पहले जल चढ़ा देती हूँ तुलसा जी, सब में भगवान का जो दीपक है वो अभी नहीं लगा, मैंने कहा अभी आकर लगाऊंगी, क्योंकि मुझसे किसी लोगों ने कहा कि पहले घर में पूजा होना चाहिए, तो घर में पहले मैं दीपक वगैरह लगा देती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं जाती हूँ पीछे जल चढ़ाने के लिए।
अपना जल तैयार कर लिया है, एक ये पीपल के पेड़ पर चढ़ाऊंगी और ये भोले बाबा पर, तो मंदिर में चढ़ा कर आती हूँ जल, उसके बाद मिलती हूँ। फ्रेंड्स अब कर लेती हूँ मैं यहाँ पर पूजा, और जो नीचे तुलसा जी रखी थी ना वो हल्की सी मुरझा गई थी। ये इनका बड़ा शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, क्या पता कैसे छू उसमें आ गई होंगी तो मुरझा गई हैं, तो इनको ऊपर उठाकर मैं लेकर आई हूँ। और मैं सोच रही हूँ उस जगह पर मैं कोई दूसरा प्लांट रखूँगी, पर अब तुलसी मैया को वहाँ नहीं रखूँगी, तो यहाँ सारे भगवान जी की मैं एक एक करके कर लेती हूँ पूजा, फिर इसके बाद में मंदिर की पूजा होगी। सकते हैं मेरी पिन कहाँ जा रही है, क्योंकि स्वेटर मैंने बाद में पहना, पिन पहले और बालों की ना ऐसे चोटी हल्की हल्की सी बना ली, क्योंकि बाल फिर गिरते रहते हैं। और यहाँ पर मेरी सारे भगवान जी को दीपक धूप सब लगा दिया है और सारा तिलक वगैरह, आज मैंने इनको ना पंचामृत से स्नान कराया, देख सकते हैं ये, तो ये मैंने इनको पंचामृत से स्नान कराया था सारे भगवान जी को, सारे नहीं मतलब लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को। आज पूर्णिमा का दिन है बहुत बड़ा, और दिसंबर की लास्ट पूर्णिमा है, मतलब साल की आखिरी पूर्णिमा, तो इसलिए थोड़ा स्पेशल बनता ही था। जल्दी उठ गई थी 5:30 बजे, उठ के जल्दी सब कुछ किया। अब मैं अपना पाठ करूँगी, छोटा सा एक हवन करूँगी, बस पहले मैं नायशा को बाय बाय कह दूँ। स्कूल दोनों बच्चों के लेट हो गए हैं अब थोड़ा सा, तो इसलिए हो जाता है। कई लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट करे थे, अभी नहीं करूँगी ये बात, मंदिर में बैठी हूँ, थोड़ी देर निकल के बाहर तब करूँगी आप लोगों से, क्योंकि मेरा मंदिर में ये ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए फालतू, तो अभी निकल के हम बात करेंगे। पहले मैं नायशा को भेज दूँ, उसके बाद अपने पाठ पढ़ूंगी। आज सत्यनारायण भगवान का पाठ भी करती हूँ, 5 अध्याय जो होते हैं वो पढ़ती हूँ, उसके बाद छोटा सा एक हवन भी करती हूँ, तो आज थोड़ा सा पूजा में समय भी लगने वाला है। तो पहले नायशा को तैयार करके स्कूल भेजती हूँ, उसका टिफिन उफिन सब कुछ पहले ही रेडी कर दिया था। यार रानी तैयार हो गई, मेरी चिड़िया तो बड़ी हो गई, ऐसे मत लगा करी, अरे 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 मेरी चिड़िया रानी तो बहुत बड़ी हो गई है, तैयार हो जाती है कुछ से, बाल भी बना लिया, तो ला छोटी बना दूं नायशा, हाँ बड़े हो गए, अच्छी सुंदर बच्ची हो गई मेरी तो, नहीं छोटी नहीं बनाना, टिफिन तो सब रख दिया मैंने, दूध भी पी लिया, बिस्किट भी खा लिए, बोतल भी रख ली, गुड, बोतल में भर के रख के आई थी, अब ला सॉक्स दे दूँ तुम्हारे, है ना। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हुई है मेरी आज की पूजा, हवन हो गया है, दीपक वगैरह सब लगे, देख सकते हैं इतना पसारा फैल जाता है, सारी चीज़ें लगानी है मुझे, करूँगी आराम से, अभी एकदम से नहीं करते हैं। तो हवन मेरा हो चुका है यहाँ पर, अब चलते हैं चाय वगैरह लेती हूँ, करेक्ट 10 बज गए हैं अब। तो यहाँ पर मैंने बालों को थोड़ा सा अपने खो लिया, क्योंकि सुबह से जब से बाल धुले थे ना मैंने आज शैम्पू नहीं लगाया, क्योंकि ऐसे देखो कोई भी व्रत होता है ना, मेरा ऐसा मानना है कि सिर धो के ही मतलब व्रत किया जाता है, मतलब मैंने शुरू से अपने घर में यही देखा है, तो मैं यही करती हूँ। जैसे पूर्णिमा का भी व्रत हो गया तो सिर से पूरा स्नान करके शुद्ध धो के तभी व्रत पूजा पाठ होता है, तो आज शैम्पू नहीं किया, वैसे बाल धुले हुए थे तो हल्के से वैसे चिपचिपा भी रहे थे, तो बस क्लेचर लगा लिया कि सूख जाएंगे थोड़ा। और रूम में आई तो यहाँ पर ये बच्चे जब जाते हैं उसके बाद तो ये सब नहीं करती हूँ, पर उनके जाने के बाद फिर सारे काम ये होते हैं, साफ़ सफाई का, डस्टिंग वगैरह, ये सारा कुछ करती हूँ। तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा, और कल का जो ब्लॉग है वो इससे आगे का जो ब्लॉग है वो आपको कल मिलेगा देखने को, मैंने कंटिन्यू नहीं रखा, बस यहीं तक मैंने बनाया ब्लॉग, क्योंकि आज मेरा फास्ट था तो और भी मुझे बहुत सारे काम थे, पूजा की तैयारियाँ करनी थी, शाम के लिए खाना वगैरह सब कुछ बनाना था,
इसलिए व्लॉग नहीं बना पाई। फिर यहाँ पर कपड़े मशीन में ड्रायर करके फिर मैं ले आई इनको ऊपर, और देख सकते हैं धूप काफ़ी तेज़ खिली हुई थी यहाँ पर। नॉर्मल है यहाँ पर ठंड, वैसी वाली जो यूपी वाली ठंड नहीं है कि बहुत ठंड पड़ती है उधर, वैसी नहीं है, नॉर्मल है अभी इस वक्त।